ये मैं हूँ, ये इधर बबलू, और ये रही हमारी ट्रेन। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ मौजूद हैं। अभी धनबाद रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, और ये हम लोग का मतलब कि लॉकडाउन के बाद पहला जर्नी है क्या बबलू भाई? पहला जर्नी। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, और हम लोग की जो ट्रेन है वो आ चुकी है, और हम लोग को इसी ट्रेन से अभी धनबाद से हम लोग को हरिद्वार निकलना है। सो बबलू भी रेडी हो चुका है हरिद्वार जाने के लिए, और हम भी रेडी हो चुके हैं। सो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चलो यहाँ से धनबाद से आपका हरिद्वार का एक ब्लॉग बना के दिखाएं, ट्रेन जर्नी कैसे हो रहा है हम लोगों के साथ। क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब पता हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है क्या क्या होगा नहीं होगा, तो आप लोग क्या क्या फेस करना पड़ेगा आप लोगों को भी दिखाएंगे वो। बिल्कुल, तो इसी सिलसिले में हम लोग ने यहाँ पे ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं धनबाद स्टेशन का कुछ भी इस तरह से है, नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। और अभी फ़िलहाल हम लोग, हमारी ट्रेन आ चुकी है, और हम लोग अभी इसी ट्रेन से सफ़र करके यहाँ से हरिद्वार के लिए निकलेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हरिद्वार का बैक टू बैक ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, लगातार मिलेगा, लगातार ब्लॉग, एक से एक ब्लॉग आपको हरिद्वार का दिखाएंगे कुंभ मेला से रिलेटेड। सो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा इस ब्लॉग को, और चैनल को एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को वीडियो में, और ट्रेन के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मस्तियाँ होती हैं, सारी कुछ आप लोगों को कवर करने वाला है, सारा कुछ कवर होगा, सारा कुछ करेंगे, वो भी दिखने वाली है। तो यार, तो आज हमारे साथ, हम दो के अलावा भी हमारे दो भाई हैं और मौजूद हैं जो पीछे में बैठे हुए हैं, देख सकते हो वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी मिलवाऊँ अपने फ्रेंड्स से। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हाई कर दीजिए एक बार हमारे फ्रेंड्स को। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इन्हीं लोग के साथ सफ़र करने जा रहे हैं, और ये लोग अभी अप्रेंटिस करते हैं हरिद्वार में रह करके। तो आप लोग को भी मिलवाएंगे इन लोगों से। तो आप लोग देख सकते हैं ये लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। भैया नाम क्या हो गया, अपना नाम बता दीजिए ज़रा। मेरा नाम कौशल कुमार है। मेरा नाम सुजीत कुमार है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ आज कौशल जी और सुजीत जी दोनों मौजूद हैं, और ये लोग हमारे दोस्त हैं, हमारे गांव के बगल में जस्ट रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके, और आप लोग को भी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्द हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार, और आप लोगों को हरिद्वार का कुछ ब्लॉग दिखाएंगे। तो उससे पहले ट्रेन में क्या क्या मस्तियाँ होती है, क्या क्या बातें होती है, और क्या क्या चीज़ वाक्या होता है, सारा कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग में हम लोग दिखाएंगे। तो चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, धनबाद स्टेशन का कुछ व्यू कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और अभी हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है, जहां हमारे फ्रेंड्स लोग वेट कर रहे हैं हमारा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कुछ व्यू यहां का। ये नायक ब्लॉग जी देख सकते हैं, फुल फिट फाट में आए हुए हैं, और ट्रॉली लेके आए हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अभी हम लोग जर्नी कब खत्म होगा पता नहीं एक्चुअली है, क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं और आप लोग के लिए ब्लॉग बनाने के लिए ही निकले हुए हैं। तो आप लोग प्यार इसी तरह से बनाए रहेगा, और भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी यार अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पर आप लोग वीडियो देखेंगे दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी एक्साइटेड, हम लोग खुद एक्साइटेड है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अभी देखते हैं हमारे फ्रेंड्स लोग कहाँ हैं, उन लोगों के पास हम लोग जाने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। सो गाइस, ये हमारा लगेज है, आप देख सकते हैं हमारा बैग यहाँ पे मौजूद है, और इधर बबलू इधर देख सकते हैं थोड़ा सा बिजी है। बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकला हूँ, इतना मज़ा आ रहा है ना बता नहीं सकता हूँ भाई, इतना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। भीड़ है अभी, मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ इतना भीड़ होगा, लेकिन देख रहे हैं इधर
बहुत ही मजा आ रहा है। और रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे में मजा कर रहे हैं। सही बात, ट्रेन में चढ़ेंगे और दिखाएंगे अपना नजारा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी सीट है, यहाँ पे हम लोग को सीट मिला है। और आप ऊपर में देख सकते हैं बबलू, बबलू वीडियो एडिट करने में लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हम और बबलू एक साथ बैठे हुए हैं और काफी थक चुके हैं हम लोग। थकने ऊपर सोए सोए मतलब इतना ज्यादा थक गए कि नीचे आके चेहरा से पता चल रहा होगा हम लोग इतना थके हुए बिल्कुल। लेकिन तो लेकिन पहला बात है यार, ये लॉकडाउन के बाद फर्स्ट हम लोग का जर्नी है, तो एक्साइटेड हम लोग इतना, हम लोग काफ़ी इतना एक्साइटेड हो चुके हैं ना, हम लोग भूल चुके हैं थकान को। और अभी हम लोग जहाँ मंजिल है, हम लोग बस उसी हम लोग टारगेट है, हम लोग हरिद्वार जाना है, अगर जाना उसी में हम लोग थोड़ा सा अभी हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं और थकान को दूर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा मंदिर है। दूसरा दो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, किस तरह से खेती करते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादातर गेहूं की फसल दिखाई दे रहा होगा और मुझे देख के तो मैं खुद शौक हो गया कि इतना ज़्यादा खेती यहाँ पे करते हैं गेहूं की कि क्या बोलूँ मैं। तो इसलिए मैंने एक शॉट ले लिया कि आप लोगों को भी दिखाऊँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग गेहूँ उपजाते हैं और किसान मेहनत करते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग अब उतरने वाले हैं और ये रहा हमारा लगेज और हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और हरिद्वार से एक स्टेशन पहले हम लोग ज्वालापुर में उतर रहे हैं अभी। और अब देख सकते हैं ये रहा ज्वालापुर स्टेशन का व्यू, कुछ इस प्रकार से है। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि यहां से आप लोग को एक स्टेशन और आगे जाना पड़ेगा हरिद्वार के लिए, तो हम लोग यहाँ पे पहले ही उतर चुके हैं ज्वालापुर में। सो फाइनली गाइज हम लोग धर्म नगरी हरिद्वार पहुँच चुके हैं और ये हम लोग हरिद्वार से एक स्टेशन पहले ज्वालापुर में और जस्ट अभी अभी उतरे हैं और अभी यहाँ से हम लोग रूम की ओर जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो इस तरह का सफ़र करना तो आप लोग धनबाद से ट्रेन लेकर आप लोग हरिद्वार आ सकते हो, महाकुंभ का दर्शन कर सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अब यहाँ का महाकुंभ का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं महाकुंभ के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।